सत श्री अकाल जी, स्वागत है अज की इस नवी वीडियो। सो कैनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री का जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना होंगे, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते तो तुम वीज़ा ऑफिस की टीम की हैल्प लै सकते हो नैक्सट अवेलेबल इनटेक लिए, जो कि मई बहुत घट लिमिटेड बचा है, नाल दी नाल सितंबर जिहड़ा है, क्योंकि मई के हम रिजल्ट की भी आप गल करनी अज वीडियो। सो मई एडमिशन जिहड़ा बहुत घट है, सितंबर मेनली अवेलेबल हैगा, वो भी कई जगह पर मैक्सीमम भर चुके। मैं बार बार वीडियो तो ही कहना कि मैं तुम्हें रियलिटी दस सगा। सो एडमिशन अपलाई करना 9410 9410 से कॉल कर सकते हो, या लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, साढ़े किसी भी ब्रांच ऑफिस आगे तुम जरा वो मिल सकते हो। हुण इत्थे जिहड़ी अज दी गल करांगे आपां मई इनटेक नूं लैके, क्योंकि जनवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है सारा, एंड हुण मई इनटेक दे रिजल्ट आण दी वारी आ चुकी है। सो जो हुण तक दे अगर ट्रेंड नूं गल करिए जां हुण तक दे सिस्टम दी गल करिए, तां मई जिहड़ा नॉन एसटीएस रिजल्ट दी अगर मैं प्रेडिक्शन दी गल करां कि एक मैं आइडियल सिचुएशन देखांगी की चांसिस लग रहे ने, किदां दा रहेगा ट्रेंड, किदां दा रहेगा, तां दोस्तों प्रेजेंटली देखिए जिस हिसाब देखो ये आप, मैं गलत भी हो सकता लेकिन तुहानूं मैं अपने एक्सपीरियंस तो दस रहा, प्रेजेंट जिस हिसाब न वैसे फाइलों पेंडिंग पईआं ने, जिस हिसाब न नवीं फाइलों लग रही ने, अगर तुम नोट किया होगा मई इनटेक बड़ी छेती भरिया, चाहे डेफरमेंट करके चाहे कोई भी रीजन रहा हो, सितंबर भी जिहड़ा कई कॉलेजों के कोल खत्म हो चुके, मतलब आप मई के रिजल्ट की गल कर रहे हैं तो आप सितंबर एडमिशन भी कह रहे हैं कई कॉलेजों को खत्म हो गया, मतलब रश नहीं घटिया, चाहे आस्ट्रेलिया खुल गया है बट रश जिहड़ा है वो कैनेडा का जो नहीं घटिया, जे रश नहीं घटिया तो ये सीधे सीधे साइन ने कि जे नॉन एस टी एस फाइल लग रही है तो रिस्क चा। जी हाँ, हूँ तक भी जो जनवरी मंथ च भी जो कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया मई दे, लेकिन कुछ रिजल्ट भी निकल के आए हैं, वो तो यही निकल के आ रहा है कि अजे भी हाई कमिशन का जोड़ा रुख है वो नॉन एस टी एस लैके ठीक ठाक रहेगा, मतलब डिजर्विंग कैंडीडेट जिदा सिर्फ एक चो साढ़े पांच ने, ओवरऑल देखांगे तां उहदा अकैडमिक स्कोर भी अच्छा है, कोई ज़्यादा गैप नहीं हैगा, तां जां पीटी कीता उहदे च भी 52-58 नंबर हैगे ने जां इस तों उपर ने, मोस्ट लाइकली अगर उपर भी ने तां ज़्यादा वधिया ने, तां इदां दे जिहड़े ने नॉन एस टी एस च केस लगे हुए ने अकैडमिक स्ट्रॉन्ग, उत्ते फिर भी चांसिस हैगे कि वीज़ा देणगे, क्योंकि कुछ इदां दे वीज़ा आए ने, बट जे उही चीज़ है कि आपां 19 पास आउट हैं, 20 पास आउट हैं, आप एक रिफ्यूजल लै चुके हैं, फिर एक चो साढ़े पांच से ला रहे हैं, तो कोई चांस ज़्यादा नहीं है वीजे की सक्सैस रेशो के, बट स्टिल जे आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्योंकि बच्चे भी जिदते होंगे, जो साढ़े कोई केस आता जो गाइड करते कि हाँ थोड़ा आस्ट्रेलिया हो सकता या यूके हो सकता, बच्चा कहना मैं जाना ही कैनेडा, तो जिद इदा की जिद है तो उस ट्राई कर सकते हो, पैसे ताडे है, स्पेंडिंग तुम्हें करनी है, किस्में ट्राई करनी, यस एक चो साढ़े पांच तुम कर सकते हो, आफ्टर वन रिफ्यूजल मैं बिल्कुल गाइड नहीं करता कि एक चो साढ़े पांच से फाइल लगाओ, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है, यस यू कैन ट्राई विद अ गुड एस ओ पी, वधिया जी एस ओ पी लिख के, नहीं तो 6 इंच तो थले फाइल ना लगाओ, बेनीफिशियल जो नहीं रहने वाला जो हूँ तक दे। सो इतें अजे जल्दबाजी होएगी ज़्यादा प्रडिक्ट करना इस चीज़ के उपर, लेकिन जो आइडियल सिचुएशन बननी दिख रही है कि मई इनटेक का जो ट्रेंड है एस डी एस लेके अच्छा रहने वाला है, पहला भी अच्छा रहा थोड़ा अप डाउन चलता रहता, बट नॉन एस टी एस लैके इंप्रूव जरूर हो सकता है, बट उस स्टेज के जो पिछले साल सी उदा की उम्मीद ना रखो कि पिछले साल, क्योंकि वो कोविड तो बाद एक थोड़ा जहा बूम आना सी चीज़ के, मई के आया से कोविड 2020 आया, सितंबर इनटेक भी डाई से रहा, बायोमैट्रिक हो रहे थे बंद हो गए थे 2020 की गल करें, उस तो बाद जनवरी आ गया वो ठीक ठाक चलिया, फिर मई से मेन, तो मई 2021 एक मेन सगा जिद ने पेंडेंसी क्लीयर करके एक बूम लिया से, उन्होंने लिया सितंबर भी ठीक ठाक रहा, जनवरी तो बाद हूँ अपने हिसाब न पुराने लाइन पर आ गए हैं, जितों साइन यही है कि नॉन एस टी एस फाइल लेना जो रिस्की रहेगा, डिसीजन तुहाड़ा है, अगर इंप्रूव नहीं हो रहे एक ट्राई तुसी कर सकते हो, नहीं तो राइट नाउ अल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि एक आस्ट्रेलिया भी ओवरऑल 6 1 5 से तो अप्लाई कर सकते हो, 2 5 वाला कैनेडा ना ट्राई करे, मेरे को एप्लीकेंट लास्ट मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, साढ़े को एप्लीकेंट आते हैं, जो मैं कहना कि प्लस टू अगर 18 पास आउट है रिस्क है, एप्लीकेंट कहना जी 18 पास आउट सीगा मेरे दोस्त का वीज़ा आया, देखो तुहाडे दोस्त का वीज़ा आया वो 100 चो 200 चो 500 चो एक एप्लीकेंट होएगा, अगर तुम 2018 के इदा के लभन लग जाओगे ना, जिदा तुम कहने कि मेरे दोस्त आया वह आया, तो तुहानूं गिण के उंगलियां ते खत्म हो जाने प्रोफाइल, तो इन्ने लकी अगर तुम खुद को समझते हो तो ट्राई कर लो, बट बाद च नहीं सोचना कि वह आ गया मैनू क्यों नहीं वीज़ा दिता, क्योंकि असं इदा देखिया होया है एस डी एस लगी फाइल के उपर भी सेम प्रोफाइल, सेम अकैडमिक स्कोर, सेम पासिंग ईयर, सेम कोर, सेम कॉलेज, एक नूं वीज़ा दे दिता जाता, दूजे नूं कहा जाता तुसीं वापस नहीं आना, तो दिस इज़ कैनेडा, इनू इन्ना ईजली तुसीं प्रडिक्ट नहीं कर सकते, कोई रश इन्ना है,
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 19 ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਤਾਂ 17-18 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ 90-410, 90-400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।